मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करूंगा कि कुछ लोग लोगों को कैसे गुमराह करके मिस कॉल करा रहे हैं, उस नंबर पे मिस कॉल करा रहे हैं जिसको अमित शाह ने अनाउंस किया था। कुछ लोगों को हम लोगों ने देखा, हमारे पास क्लिप्स आए कि लोग शैम्पू का पैकेट लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर इस नंबर पे आप मिस कॉल करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एक तो वीडियो ऐसा आया, दूसरा वीडियो जो आया वो था कि अगर आप मिस कॉल दीजिएगा तो ये चाय की पत्ती आपको मुफ्त में मिल जाएगी। ये दो वाक्य थे। तीसरा जो पोस्ट कार्ड के शक्ल में व्हाट्सएप में आ रहा है कि अगर आपको सली लियोन के साथ फ़ोटो खिंचवाने हैं तो इस पर मिस कॉल कीजिए, आप उनके साथ फ़ोटो ले सकते हैं। फिर चौथा आया कि अगर आपको इमिडिएटली नौकरी चाहिए तो इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए, आपको नौकरी मिलेगी। इसके अलावा एक व्हाट्सएप पे एक बैंक का नोटिस, पब्लिक नोटिस है जो सेंट्रल बैंक का है, उसके आगे की कहानी क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा जाकिर भाई बताएंगे। जाकिर भाई, वो बैंक का जो नोटिस है उसके ऊपर बताइए क्या था। वो बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, एक नोटिस निकाला था, आंध्र प्रदेश की ईनाडु न्यूज़पेपर है, क्वाइट पॉपुलर पेपर है जी। तो वहाँ नोटिस लिखा था जो जो कस्टमर्स, जो बैंक के कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए हैं ऑथेंटिसिटी के लिए, अगर वो एक 30 तारीख के अंदर सबमिट नहीं करते उनका जो बैंक अकाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा। और उन्होंने एक लिस्ट दिया था 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी के अंदर अंदर या 31 जनवरी जो भी डेट है उसके अंदर अगर सबमिट नहीं करते तो उनका बैंक अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। और उन्होंने एक लिस्ट लिखा था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है, जिसको KYC भी कहा जाता है, नो योर कस्टमर। तो उसमें था पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, नरेगा का था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट कॉपी थी, ड्राइवर्स लाइसेंस थी और एक था NPR, NPR के डॉक्यूमेंट्स। तो लोग घबरा गए कि NPR कहाँ से आ गया करके, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बैंक। तो बैंक को गए लोग पूछने के लिए कि हाउ कम यू हैव इम्प्लीमेंटेड NPR, जहाँ नेशन वाइड जो अमित शाह बोले थे, जो गवर्नमेंट ने बोली थी कि इम्प्लीमेंट होगा, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि April 1st को इम्प्लीमेंट होगा। तो April 1st से पहले ही, आई मीन 3-4 महीने पहले ही द बैंक हैज स्टार्टेड आस्किंग फॉर NPR डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे NPR डॉक्यूमेंट्स कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग, आई मीन नो सच थिंग, मतलब काम शुरू ही नहीं हुआ, काम शुरू ही नहीं हुआ है। और ये पूछ रहे हैं कि NPR का जो सर्टिफिकेट है वो आके सबमिट करो। तो जब कस्टमर्स जाके पूछे कि यू नो हाउ कम यू आस्क दिस, बैंक के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी नहीं पता था कि ऐसा नोटिस आया है करके। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि डिस्क्रीटली। और एक चीज है, ये जो नोटिस आया था सिर्फ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को, इन्होंने जो पेपर जाता है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे क्या था, जो अर्बन एरियाज है, जो सिटीज है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। तो लेकिन ये नोटिस का कंफर्मेशन उनके वेबसाइट पे आपने चेक किया है? वेबसाइट पे है, तो हर जगह है, मतलब ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, उन्हीं का। इससे ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार उनको सपोर्ट कर रही उनके डिस्ट्रिक्ट में एक इनडायरेक्टली प्रेशर दिया जा रहा है कि मतलब NPR NRC टाइप के डॉक्यूमेंट आपको बैंक में फ्यूचर में मांगे जा सकते हैं। Exactly. लेकिन आंध्र प्रदेश जो है, I mean, इनका चीफ मिनिस्टर हैड आल्सो सेड के NPR यहां, NRC यहां पे लागू नहीं होगा, लेकिन NPR के थ्रू से they've already started coming and asking for documents. मतलब NRC होगा या नहीं होगा, NPR जरूर होगा। तो मतलब ये है कि एक इनडायरेक्टली जनता के अंदर एक डर फैलाने के लिए इस टाइप के चीजों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो संस्थाएं गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक एक व्हाट्सएप पे ये भी हुआ, अभी वेरीफाई तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्रोविडेंट फंड इफ यू वांट टू विड्रॉ तो वहां पे भी NPR का एक ऑप्शन रखा गया, मतलब जहां पे भी जरूरत है। सो नहीं, मतलब प्रेशर ऑन द पीपल के इवन इफ, आई मीन इवन इफ, जो लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट करेंगे, ये प्रेशर डाल के दे आर मेकिंग श्योर के लोग सबमिट करें। तो ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी कि किस किस टाइप से लोगों के और आपको और हमको प्रेशर दिया जा रहा है कि हम डर के NRC CA और NPR का बायकॉट ना करें और उसका समर्थन करें। ये कुछ बातें थी आपको बतानी थी, बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि और किस टाइप के न्यूज़ को आप देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।